लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे एक टंकी है, कटा हुआ टंकी। सारे बच्चे सब टंकी में खेल रहे हैं बैठ के। यही देख लीजिए मोनू को। अयो हेलो हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों बोलो। ए हेलो दोस्तों बोलो बे, हेलो दोस्तों बोलो। ए मुन्नू का ऐसा रखी दियो। हेलो करो बे, हेलो करो बे। हाँ हेलो कर ची मुन्नू, देख हाँ सबे हेलो कर रहे थे। ए उत्पात नहीं हो, कले कले बसी करी। ये लोग बाहर में बहुत ज्यादा घूम रहे थे, इसीलिए मैं इनको टंकी में घुसाई ताकि ये लोग बाहर ना आए, बदमाशी ना करें और अंदर ही में रहें। सेठी थी बु भाई आसबू नहीं, से यार बसो कले चुपचाप। सो फ्रेंड, आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ, तो ये प्रसाद काट रही हूँ मैं। बड़ा बड़ा प्रसाद दिए हुए हैं, हम लोग कहीं गए हुए थे, तो आगे चल के आप लोगों को ब्लॉग में बताती हूँ। तो सॉन्ग चल रहा था इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ दोस्तों। तो ये देख लीजिए प्रसाद काफ़ी बड़ा बड़ा था, और जिसको मैं कटिंग कर रही थी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ये। और ये कनाडा तेलुगु लोगों के पूजा में गए थे। दे दो मोनू को एक पहला दे दो। सबको बांटे हुआ प्रसाद इटा रखी देव जाता अमृत इटा रखी देव जा आई स्टैंड स्टैंड बागे रखी नहीं एंती एंती आई कपड़ा रख सु रे तोड़ रखी देव तोड़ रे। सो फ्रेंड, आज कनाडा तेलुगु लोगों का पूजा हो रहा था जहाँ पे गए थे हम लोग खाना खाने के लिए। मतलब कनाडा तेलुगु लैंग्वेज बोलते हैं, यहाँ काम करने के लिए आते हैं। तो ये मिठाई दिए हैं प्रसाद, और नारियल दिए हैं। तो अभी फार्म के गए थे, कितना लोग गए थे, 8-10 लोग गए थे खाने गए, तो सूट नहीं कर पाई मथुरा ने। खाना खा के आ चुके हैं, पूजा हो रहा था उनके घर में, तो अभी प्रसाद लेके आए हैं तो बांटेंगे अभी। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से प्रसाद, और मोनू तो खाए जा रहे हैं। ले मोनू तेरे प्रसाद खा ले, हेलो बेटा। हाँ जय कर, दे दे सबको, दे दे किसी को, दे दो सबको, देंगे तो मालूम है, लेकिन सब नारियल को तो फोड़ने दो। सुन जान जल्दी भाई बन के, उसको खाओगे। हाँ ये अपना भी रख दे, अरे पापा का दे, सबको बांट देंगे ना, डबरा घर को भी दे देंगे ना। हाँ जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी कौन बनाए। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देख लीजिए आशा जी क्या सब्जी बना रही हैं आज। क्या सब्जी बना रहे हो? लेथा, लेथा सब्जी। तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देख लीजिए मैंने बहुत सारा लहसुन ले लिया है, और ये मिर्ची थोड़ा थोड़ा फाट दी हूँ इसको, बीच से काफी सारा ली हूँ, 6 ली हूँ। और ये प्याज, 2 प्याज, और ये कड़ी पत्ती, 2 टमाटर, बड़ा बड़ा था टमाटर। और ये मैंने चावल डुबो के रखा है, देख लीजिए, तो इसको अभी पीसूंगी मैं। तो ये चावल वाली कढ़ी है, लेकिन इसको हम लोग हमारे शुद्ध लैंग्वेज में लेथा बोलते हैं। और ये रहा बैंगन और मूली, जो कि मैंने काट के पानी में डाल दिया है, देख लीजिए मूली और बैंगन है, ये देख लीजिए। तो ये भी 2-2 ठो ली हूँ मैं, 2 मूली 2 बैंगन। तो लेथा बनाना है आज, तो इतना बहुत सारा हो जाएगा, क्वांटिटी बहुत सारा हो जाएगा। तो ये थोड़ा हमारा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का स्पेशल रेसिपी है लेथा,
तो जब भी बनाते हैं थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं ताकि आजू बाजू पड़ोसी लोगों को भी देना पड़ता है, इसीलिए। तो मैंने ऑयल डाल दिया है और अभी मैं डालूंगी सरसों। तो उधर प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है और इधर मैं चावल में देख लीजिए बहुत सारा जीरा डाली हूँ, तो जीरा को पीसूंगी चावल में। तो फ्रेंड देख लीजिए ये डाल रहे हैं अभी बैगन और मूली। बैगन मूली डाल दिए हैं और इसको अभी नमक डाल के पकने के लिए छोड़ देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। देख लीजिए अभी चावल के लिए आई है पीसने के लिए, इसको पतला पेस्ट बनाना है। इसमें जीरा भी डाला है दोस्तों। अच्छा लग रहा है मोनू? कितना अच्छा लग रहा है? ज्यादा अच्छा ना। अच्छा लग रहा है? तो फ्रेंड देख लीजिए ये पक चुका है, तो अभी इसमें साइड करके डालेंगे टमाटर। टमाटर डाल दिए हैं अंदर में, टमाटर पकता रहेगा हमारा। अभी डाल देंगे पूरा पाउडर मसाला, आप सूखा मिर्चा भी पीस सकते हो इसमें। तो हल्का सा मिर्चा दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं। थोड़ा धनिया पाउडर एक चम्मच और ये हल्दी जितना आप चाहो उतना। तो ये आप लोगों के लिए नया रेसिपी है, ये हल्का सा गरम मसाला डाल रही हूँ। इसको थोड़ी देर बाद डालना है ये पेस्ट, वो देख लीजिए जीरा और चावल का पेस्ट है, इसको बाद में डालना है। टमाटर पकने दे देंगे हम। तो फ्रेंड टमाटर हमारा अंदर में ही पक चुका है, अभी मिक्स नहीं किया है, इसको डाल देंगे पेस्ट। फिर इसमें हल्का सा पानी भी डालेंगे, नहीं तो एकदम खट्टा खट्टा हो जाएगा। सो फ्रेंड देख लीजिए अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, तो इसको अभी अच्छे से पकाना है और बहुत सारा इसमें धनिया पत्ती डालना पड़ता है। तो ये जितना भी पानी डालेंगे गाढ़ा होते जाएगा, क्योंकि इसमें चावल है, चावल का पेस्ट बना है हलवा चावल का। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, नहीं तो ये गाढ़ा होते जाएगा। देख लीजिए गाढ़ा होते जा रहा है ये। काफ़ी यमी लगता है खाने में, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो फ्रेंड देख लीजिए बहुत सारा मैंने धनिया पत्ती डाल दिया है, फिर भी जितना पानी डालने से भी गाढ़ा होते जा रहा है, तो इसमें और पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि चावल का जो पेस्ट है वो पकेगा तो ऑटोमेटिकली गाढ़ा हो जाएगा। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, एक बार आप लोग ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा बनता है। और इसमें ये मिर्ची लहसुन वगैरह मेन है, कच्चा मिर्ची लहसुन ये सब डालना चाहिए, सब फ़ौरन में बहुत टेस्टी रहता है।
तो देख लीजिए मैं और पानी डाल रही हूँ इसमें एक, तो इतना भी नहीं होगा, और भी डालना पड़ेगा पानी, काफ़ी ज़्यादा पानी डालना पड़ता है क्योंकि पेस्ट जो रहता है वो ऑटोमेटिकली गाढ़ा कर देता है सब्जी को, तो गाढ़ा नहीं खाना है आपको इसको, थोड़ा सांभर से झोल रहेगा ना तो अच्छा लगेगा। तो बहुत टेस्टी बना है ये देख लीजिए। तो कैसे लगा हमारा ये कढ़ी लेथा रेसिपी, इसको उड़ीसा हमारे छत्तीसगढ़ में लेथा बोला जाता है, तो बहुत टेस्टी लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, न्यू रेसिपी है ये। सो हमारा फाइनल लुक है ये देख लीजिए, कैसे लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा की वजह से थोड़ा सही नहीं आ रहा है, नहीं तो पूरा रेड दिख रहा है सब्जी, बहुत अच्छा टेस्ट है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। बस इतना बोलूँगी आप लोगों से, मैं मिलती हूँ आप लोगों को बाद में। अरे मनु सो गया रे, ये पूरा कच्चा हो गया तेरे पीछे तरफ रही, कैसे पहना रही। तो देख लीजिए दोस्तों, नहाया है मोनू और पेंट को पहना है और सोने का एक्टिंग कर रहा है, तेल लगा लिया है लेकिन कपड़ा नहीं पहनूंगा बोल रहा है। तू नहीं होती तो ऐसा होता, कदे कदे ऐसे नहीं कर, आग जलेगा, डर होता है पप्पा, बदमाशी नहीं। तो खाना वाना खा लिया फ्रेंड, टेस्टी था बहुत, सब्जी अच्छा लगा। तो अभी ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता है ब्लॉग, और मोनू को कपड़ा पहनाने के लिए दौड़ाना पड़ता है। तो देख लीजिए ये डोमंजरी कुछ डोमंजरी, देखो देखो बदमाशी, देखो बदमाशी ऐसे कौन करता है बे, चला चला। सोने का एक्टिंग सोने। हाँ मनु सो गया, मनु सो गया, चलो मनु सो गया, पूरा आँख भी बंद है ना, मनु सो जाता है। तो देख लिया दोस्तों आप लोगों ने मोनू का बदमाशी, इसका बदमाशी यही चलता है, ए बोजा बुधर के लिए या गिरता है और सोने का एक्टिंग करता रहता है और डांस कर रहे हैं। और मम्मी के पापा अभी तक नहीं खा के सके हैं क्योंकि वो लेट तक खाते हैं, हम लोग जल्दी खा लेते हैं, और मम्मी के पापा आधा घंटा लगता है उनका खाने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय, बाय बोलो, बाय बोलो, नहीं बोलोगे आप, बाय बोलो, चलो सो जाएगी, चलो हाँ तब तो देगा, देगा तब तो देगा। तो ठीक है फ्रेंड, मनु को दूध पीना है।